मोटोरोला न्यू किंग बन चुका है 2024 का। वीवो, रियलमी और ओप्पो सिर्फ सिंगल डिजिट में ही आगे बढ़ पाए, वह सभी को दूर दूर तक पीछे छोड़ दिया है मोटोरोला ने विद एन अमेजिंग ग्रोथ रेट ऑफ 180% क्वार्टर 2 2024 में। इवन 2024 की शुरुआत के क्वार्टर में भी मोटोरोला ने काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई थी। 100% की ग्रोथ रेट के साथ में मोटोरोला सबसे टॉप पे था, जहां पे सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस और टेक्नो ने काफी ज्यादा डाउनफॉल दिखाई थी। आखिर मोटोरोला ने ऐसा कौन सा मैजिक किया कि पब्लिक उसका स्मार्टफोन परचेज कर रही है? सबसे पहला रीजन, एक जमाना था जब ज्यादातर पब्लिक ऑफलाइन से स्मार्टफोन परचेज करती थी, लेकिन 2024 की शुरुआत में ही ऑनलाइन बिकने वाले स्मार्टफोन ने ऑफलाइन बिकने वाले स्मार्टफोन को पीछे कर दिया है विद 51% मार्केट शेयर। और मोटोरोला एक ऐसा ब्रांड है जो ऑनलाइन में काफी ज्यादा सेल कर रहा है। इवन ऑफलाइन के अंदर भी उसने रिलायंस डिजिटल के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। इन शॉर्ट, रिलायंस डिजिटल का जो मास मार्केट रीच है कॉर्नर कॉर्नर तक, वहां पे भी मोटोरोला की रीच बन जाती है। इन शॉर्ट, मोटोरोला के फोन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। दूसरा सबसे सॉलिड रीजन, मोटोरोला ने हर एक कैटेगरी के अंदर अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, और ये सारे के सारे स्मार्टफोन्स अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स है हर एक कैटेगरी के अंदर। हर एक कैटेगरी के अंदर मोटोरोला ने जो फोन्स लॉन्च किए हैं वो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स है। जैसे कि अंडर 10,000 ई सीरीज मिल जाती है, इसके अलावा जी सीरीज भी अवेलेबल है अंडर 10,000। इवन 15,000 रुपए के अंदर मोटो जी 64 5G स्मार्टफोन काफी सॉलिडली काम कर रहा है एज एन ऑलराउंडर। 20,000 रुपए के नीचे भी मोटो जी 85 स्मार्टफोन मिल जाता है। पता है इस कैटेगरी के अंदर मोटोरोला इतना पावरफुल क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रहा है जो मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन ब्रांड्स कॉम्पिटिटर्स इग्नोर कर रहे हैं। वो ड्यूल स्पीकर्स भी दे रहा है जो कि मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन ब्रांड्स इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो दो चीजें है ना, ये इस 10,000 से 20,000 रुपए की कैटेगरी है ना, उसके अंदर ज्यादा वैल्यू एड कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है। इवन 20,000 रुपए के ऊपर मोटो एज 50 सीरीज ने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लेके आई है, जैसे कि वाटरप्रूफ फोन लेके आए, वायरलेस चार्जिंग लेके आए, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के साथ में टेलीफोटो लेंस भी यूज किया है काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में, ये मोटोरोला के फोन को काफी ज्यादा वजनदार बना रहा है। इन शॉर्ट, पब्लिक को ये स्मार्टफोन है ना काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। और हाँ जी, एक और चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, मोटोरोला के पास में काफी सारे फंड की अरेंजमेंट हो गई है, तो अभी कैश बर्न चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्राइस पे लॉन्च किए जा रहे हैं, पैसा बर्न किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को पकड़ा जाए। और ये कोई यूनिक चीज नहीं है, पहले भी हो चुकी है ऐसी चीज, जैसे कि जियो ने किया था, फ्री 4G सिम को प्रोवाइड करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ले लिया था। जैसा एक टाइम पे शाओमी ने भी किया है, काफी कम प्राइस रेंज के अंदर स्मार्टफोन्स लॉन्च करके ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को ले लिया था, और एक टाइम पे इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था। तो समझ लीजिए वैसा ही कुछ चीजें अभी मोटोरोला के साथ में चल रही है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बर्न कर रही है जाके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को पकड़ पाए। वैसे वन प्लस ने भी काफी ज्यादा डाउनफॉल दिखाया है, उसका एक सॉलिड रीजन ये है कि ऑफलाइन रिटेलर्स के साथ में जो उसका झगड़ा चालू हुआ था, उसकी वजह से वन प्लस के सेल्स काफी ज्यादा डाउन हो गए, और वो IDC की इस रिपोर्ट के अंदर भी आप लोग क्लियरली देख सकते हो। इवन टेक्नो भी है ना टॉप 10 की लिस्ट से गायब हो चुका है, यानी कि टेक्नो क्वार्टर 1 2024 की लिस्ट में 10th पोजीशन पे था, लेकिन क्वार्टर 2 का जब लिस्ट आया तो उसमें से टेक्नो गायब हो चुका था। इसका हमने एक ट्वीट भी किया था, टेक्नो कैमोन 20 प्रो स्मार्टफोन हमने परचेज किया था, और एक साल के अंदर ही ये स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट ने हमें बोलने लग गया कि भाई अब इस स्मार्टफोन के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आएगा, प्लीज कॉन्टेक्ट मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर 20,000 रुपए में स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा, नॉट इवन सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। टेक्नो को अगर मार्केट के अंदर बना रहना है तो उसको आफ्टर सेल सर्विस और सपोर्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली सैमसंग क्यों इतना ज्यादा गिर गया, यानी कि डबल डिजिट का डाउनफॉल दिखा है सैमसंग ने, क्योंकि 30,000 रुपए के नीचे शाओमी हो गया, रियलमी हो गया, वीवो हो गया, और कुछ न्यू ब्रांड्स ने सैमसंग का मार्केट शेयर थोड़ा बहुत तो खा ही लिया है। तो ये कहानी है पूरे के पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर क्वार्टर 2 2024 के अंदर, जहां पे सिर्फ एक सिंगल स्मार्टफोन ब्रांड है जो उभर के आया है, और वो है मोटोरोला। इस टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाजू वाली खिड़की पे कुछ वीडियोस सिर्फ आप ही का इंतजार कर रहे हैं, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।